मेरा बेस क्या है, मेरा आधार क्या है, मुझे जन्म देने वाला कौन है। सुखदेव जी महाराज कहते कि हर जीव को यही जानना चाहिए, जब उसका जन्म हो तो उसे यही जानना चाहिए। और वो यही कहता कि सबसे पहली बात है तप की, तप करिए जीवन में। जितना आपकी साधना अच्छी होगी परिणाम भी उतना ही अच्छा होगा, तो तप करिए। अगर तप नहीं करोगे तो तप का उल्टा क्या होता, तप का उल्टा पत, पत का मतलब पतन। अगर तपस्या नहीं करोगे तो निश्चित ही पतन हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने देरी नहीं की और 100 वर्षों तक, एक वर्ष नहीं, 100 वर्षों तक प्रभु का यज्ञ किया, चिंतन किया और उनकी तपस्या की। तो उनके सामने चतुर्भुज जी नारायण भगवान का प्रदर्शन हुआ। बोले नारायण भगवान की। और जो प्रभु ने देखा ब्रह्मा जी ने देखते रह गए। आप बोले हाँ, बोले हमने तुम्हें जन्म दिया, हम तुम्हें पैदा किए हैं, तुम्हें संसार का मालिक बनाते, तुम आज से विधाता हो गए दुनिया का, जाओ दुनिया बनाइए। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के बोले प्रभु हम तो कुछ जानते भी नहीं है, तुमने इतना बड़ा अधिकार हमको दे दिया। अरे मेरे अंदर अभिमान हो गया तो क्यों, कि थोड़ा सा पद मिलता है, थोड़ा सा धन मिलता है तो जीवन में निश्चित अभिमान आता। आप ये समझ लो माता, छोटी सी छोटी वस्तु में भी अभिमान प्रवेश कर लेता है। लोग कहते थे हम सबको प्रणाम करेंगे, देखे अभिमान कैसे आ जाएगा। तो रोज सबको प्रणाम करना, अभिमान फिर भी घेर लेगा। कभी कभी सोचोगे भाई हम तो बड़े अच्छे आदमी हैं, सबको पैर छू लेते हैं, यानी अभिमान किसी न किसी रूप में आपको घेर लेगा। सबसे अच्छा है अभिमान को छोड़ने का कि अपने को सबसे छोटा मानो, तिनका के भी 1000 गुने हिस्से कर लो, उससे भी छोटा अपने को मान। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मुझे अभिमान हो जाएगा दुनिया का, तुमने मालिक बना दिया, मैं कुछ जानता नहीं। भगवान बोले अभिमान नहीं होगा। बोले नहीं प्रभु मैं करूंगा क्या। तब ब्रह्मा जी पर कृपा की और परमात्मा ने अपनी दिव्य वाणी, जिसे हम चतुर श्लोकी भागवत कहते हैं, जिसे हम गुप्त भागवत कहते हैं, जिसे हम मूल भागवत कहते हैं, वही 4 श्लोकी भागवत का ज्ञान आज ब्रह्मा जी के कान में श्री नारायण भगवान ने सर्वप्रथम दिया। तो सर्वप्रथम भागवत श्री नारायण भगवान पर थी, जो आज अपने बेटे ब्रह्मा जी को सुनाई। और 4 श्लोकों में भी 4 ही बातों का निरूपण किया। पहले श्लोक में तत्व, भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया कि मैं हूं क्या। दूसरे में माया का वर्णन किया कि मेरी माया क्या है। तीसरे में जगत और माया का बोध कराया। और चौथे में जिज्ञासा क्या है, जीव की इच्छाएं क्या होती है, उसका बोध कराया। भागवत के 2 स्कंद के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक से लेकर के 35वें श्लोक तक ये चतुर्श्लोक की भागवत है। आइए एक बार में आप पान कर लीजिए पाठ। अहे मेवा समेवाग्रे नान यद सत सत परम पश्चादहम यदे तच्च योवशिष्यते सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थम् प्रतियेतन प्रतियेति चात्मनि तद् विद्यादात्मानो मायां यथा भासो यथा तम यथा मुहंत भूतानि भूतेषु वचे सुवन प्रविष्टानि प्रविष्टानि न देतु न ते त्वहम् एताभिदे विजिज्ञासं तत्तु जिज्ञात्मात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् श्रेयात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहना चाहते हैं ब्रह्मा जी अहमेवा समेवाग्रे। ब्रह्मा जी इस दुनिया में केवल मैं ही था, मैं सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था, मेरे अलावा कुछ भी नहीं था, न सूक्ष्म था न स्थूल था, केवल मैं ही था, मेरे अलावा कुछ भी नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने कही प्रभु जब तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं था तो फिर तुमने दुनिया कैसे बना दी, तुमने दुनिया बना कैसे। अरे भाई कोई तो साधन होगा, अरे आपको मकान बनवाना हो
तो रोरी होगी, बदरपुर होगा, ईट होगी, तभी तो बनेगा मकान। भाई कुछ भी सामान नहीं था, भगवान कहते मैं तो केवल अकेला था, मेरे अलावा कुछ भी नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु जब कुछ भी नहीं था, तुम अकेले थे, दुनिया कैसे बना दी? तो भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी सुनो, बनने वाला भी मैं हूं और बनाने वाला भी मैं हूं, सब मुझसे ही बनते हैं और मुझसे ही समा जाते हैं, सबको मैं ही बनाता हूं। और बहुत अच्छी बात, जब सब भगवान ने बनाए हैं, सब भगवान ने बनाए हैं। तुलसीदास जी संकेत कर रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। भगवान गीता में संकेत कर रहे हैं, ममवान से जीव लोके जीव भूत सनातन, हर प्राणी में मेरा ही अंत, भगवान ने दुनिया बनाई सत्यता है, फिर भेदभाव क्यों है इतना? जब तब हम भगवान ही के बनाए हुए में भेदभाव इतना क्यों है? हमारे आचार इतने नहीं मिल रहे, हमारे विचार नहीं मिल रहे, हम इसका एक रीजन है, बनाया तो सबको भगवान ने है, लेकिन हमारा पतन अपने अपने कर्मों से हो गया। बोली आनंद कंद भगवान की जय। देखो भगवान बनने वाले थे, बनाने वाले भगवान। ब्रह्मा जी बोले, समझ में नहीं आया प्रभु। अरे भाई, कुमार के पास मिट्टी होगी तभी तो चकोरा मलैया दीवला इत्यादि बनाएगा वो। अरे ज्वेलर्स के पास, सुनार के पास सोना होगा तो अंगूठी बना देगा, बिछिया बना देगा, तुम्हारा कान की कुंडल बना देगा। अब सोना ही नहीं होगा तो बना का है? ब्रह्मा जी बोले, प्रभु समझ में नहीं, आपको उदाहरण बताइए। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी में केवल अकेला था, कोई साधन नहीं था, बना भी मैं और बनाया भी मैंने, उपादान कारण भी मैं हूँ, निमित्त कारण भी मैं हूँ, बनने वाला भी मैं हूँ और बनाने वाला भी मैं हूँ। कैसे? उदाहरण दिया प्रभु ने, बोले जैसे मकड़ी का जाला, मकड़ी जब जाला बनाती है तो धागा खरीद के नहीं लाती, तो बनने वाली भी मकड़ी और बनाने वाली भी मकड़ी। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे मोर का पंख, बनाने वाला भी मोर है और बनने वाला भी मोर है। ब्रह्मा जी की समझ में आए। भगवान ने कहा, इसी प्रकार दुनिया को बनाया भी मैंने, बनने वाला भी मैं हूं और बनाने वाला भी मैं, सब में परमात्मा है, सब में। तो हमारा भाव एक ही होना चाहिए, जो तत्ववेत्ता महात्मा होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो भेदभाव नहीं करते, सबको एक ही भाव से देखते हैं। मतलब कैसे? आप सोने से चाहे अंगूठी बनवा के ले आओ, चाहे जंजीर बनवा के ले आओ, चाहे कुंडल बनवा के ले आओ, नाम अलग है, आकृति अलग है, नाम अलग है, आकृति अलग है, देखा आपने? लेकिन सच बताना, सब है क्या? सब क्या है वो? नहीं समझ आया? हे भगवान! अरे भाई, कुमार ने मिट्टी से दीवला बनाया, हड़िया बनाई, मलिया बनाई, चकोरा बनायो, सुराही बनाई, तो नाम अलग है और आकृति अलग है और रूप अलग है, लेकिन एक रूप में सब है क्या? वो है क्या? है तो भाई मिट्टी। ऐसे ही हम सब अलग अलग नहीं है, माता है एक ही रूप में। आप बहन, केवल ये शारीरिक बनावट अलग है, बाकी जो तुम्हारे अंदर है वही हमारे अंदर है, कुछ भी अलग नहीं है। जो ज्ञानी पुरुष है वही देखते हैं, इसलिए मानस में तुलसीदास जी ने लिखा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। उदाहरण समझ लो, एक बाबा जी एक गांव से निकल के जा रहे थे, और गांव में जैसे ही घुसे तो एक घर में दो बच्चे लड़ रहे थे। एक कह रहा था, हाथी को मैं खाऊंगा, एक कह रहा था, शेर को मैं खाऊंगा। बाबा जी रुक गए, बड़े बलवान बच्चे हैं घर के, बताओ शेर हाथी को खाते हैं? बाबा जी रुक गए घर में, अंदर गए, देखा बात भी ठीक थी। वो दीपावली का समय था, तो पिताजी बाजार गए, खान के खिलौना ले आए, तो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे थे, नहीं नहीं ये खान का खिलौना मैं खाऊंगा, वो कह रहा था खान का हाथी मैं खाऊंगा। अब जब बताओ चाहे तो हाथी की टांग तोड़े खाओ, जब शेर की पूंछ तोड़ के खाओ, खानों का है भाई, खाने तो सब कर ही है। ऐसे ही बनने वाले ही परमात्मा है, बनाने वाले ही परमात्मा है। सोने से तमाम आभूषण बनवा दो, खूब दिन पहनो,
और एक दिन गुस्सा आ जाए उतार के सब ले जाए, सोनार को बेचा तो फिर सोना आ जाएगा, हो जाए कि नहीं, और अलग अलग बनवा लो तो आकृति बन जाएंगे। ऐसे ही सब हम एक ही हैं, आए एक ही घाट से और जाए एक ही घाट का। ब्राह्मण के लिए अलग घाट बनता है का? वो मरेगो तो शमशान में जलेगो, कि छत्री मरेगो तो अंत में जाएगो, और सब माँ के गर्भ से ही आए। ऐसे तो ना कोई डायरेक्ट आएगा वो नीचे, आए एक ही घाट से और जाए एक ही घाट, और अपने अपने कर्म से है गए बारे। जो केला के वृक्ष में और पात पात में पात, और तिव हिंदुन की जात में जात, जात में जात। बोले आनंद कंद भगवान की। दूसरे श्लोक में भगवान ने माया का वर्णन किया, ऋते अर्थम प्रतियेत न प्रतियेत चात्मनि। देखिए लाला, मेरी माया भी बड़ी काम की है, माया मैंने इसलिए बनाई। भगवान ने पहले में अपने स्वरूप को बताया कि मैं ऐसा हूं, बनता भी मैं हूं और बनाता भी मैं हूं स्वरूप, और दूसरे में माया। मां माने नहीं, या माने है। परमात्मा नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। शास्त्र में कहा गया है ओम ईशावस्मितम वासुदेव सर्वमितम हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होए में। परमात्मा हर जगह व्याप्त है, लेकिन माया लेकिन दिखाई नहीं देता। हर जगह व्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन माया अनित्य है, अशाश्वत है और असत्य है, लेकिन दिखाई देती है लेकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन ये माया बड़े काम की भगवान ने बनाई थी। भैया आओ, अगर शुद्ध सोना खरीदना हो तो बिस्कुट ले आओ।